नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सरकार ने 15 साल में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा लागू कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूँ बेचने का भी फैसला किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा है कि पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। मंडी स्तर पर कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्टॉक लिमिट व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बहुत बड़ी श्रृंखला विक्रेताओं और प्रोसेसर पर 31 मार्च 2024 तक लागू की जाएगी। गेहूं पर आयात शुल्क कम करने के बारे में सचिव ने कहा कि नीति में बदलाव का कोई योजना नहीं है, क्योंकि देश में पर्याप्त आपूर्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है, किसान और व्यापारियों के पास स्टॉक है और कुछ असामाजिक तत्वों के पास भी स्टॉक है। हम आयात के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि गेहूं के अलावा सरकार ने OMSS के तहत चावल को उतारने का फैसला किया है और इसकी मात्रा के बारे में बाद में अंतिम रूप से तय किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि चीनी को निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।